एक कहानी पेश करने की कोशिश है ये। ये कहानी मैंने कहीं और सुनी थी और मुझे बहुत ही पसंद आई थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करी जाए। सो दिस इज हाउ इट गोज। मुझे लगता है ना कि जिंदगी में दो तरह के सफर होते हैं, एक होता है हिंदी वाला सफर, एक होता है इंग्लिश वाला। अच्छा, मेरा हिंदी वाला सफर तब शुरू हुआ था जब मैं बरेली से दिल्ली जा रही थी। तो ना ट्रेन में बैठकर बड़ा मज़ा हम ले रहे थे, ठीक है, और साथ में चाय पकौड़े भी खाए जा रहे थे। अच्छा, उस समय ना वो वाला गाना, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, ये बड़ा मशहूर हुआ था। तो जी हम गुनगुनाते हुए अपना सफ़र काट रहे थे। अच्छा, कुछ देर के बाद ना गाड़ी एक स्टेशन पर आकर रुक गई और वहाँ पे उस स्टेशन से एक लड़की हमारे बोगी में चढ़ी। जब वो चढ़ी ना तो समझो जैसे कि करीना कपूर और मनीष मल्होत्रा दोनों इकट्ठे अंदर चढ़ गए हो। मतलब क्या फैशन सेंस थी, उफ, मैरिलिन मोनरो जैसे अपना वो बड़ा वाला टाइट वाला डेनिम वाला जैकेट और डेनिम की वो जीन्स पहन के अंदर आई हो, बिल्कुल वैसे लग रही थी। मतलब फुल टू एकदम, हाँ ऐसी वो लग रही थी। मैंने सोचा यार मैंने भी ऐसी फैशन करनी है, हम भी तो जाने इस तरह से कैसे तैयार होते हैं। अच्छा, जब वो और उसका परिवार जब बोगी में आया तो ना बोगी का बिल्कुल माहौल बदल गया। एक तरफ हम थे, हमारे मम्मी, हमारे पापा और हमारा वो सूटकेस, दूसरी तरफ वो थी, उसकी मॉम, डैड और ज़ारा का बैग। मानो जैसे कि एक ही ट्रेन में दो तरह के भारत सफ़र कर रहे थे। एक वो भारत जहां आज भी 7 से 9 बजे तक बिजली कट जाती है और अंधेरा छाया हुआ आता है, और दूसरी तरफ उसी 7 से 9 के बीच में लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए होते हैं। दोनों को पता नहीं है कि अंधेरा इस तरफ छाया हुआ है। इमारतों की और गाड़ियों की चकाचौंध में ये इस साइड वाले लोगों को पता ही नहीं है कि कितना अंधेरा छाया हुआ है इसी भारत के बीच में। खैर, उससे बात करके ये पता चला कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उस लड़की ने पोएट्री, जुम्बा, थिएटर, न जाने क्या कुछ टैलेंट्स थे उसमें। और एक हम थे जो ग्लूकोज बिस्किट होता है ना उसे चाय में डुबोकर मुंह तक पहुंचा ले, बस जी वही हमारा टैलेंट। खैर, उतनी देर में ना उसके पापा बोल पड़े, काव्या इट्स गेटिंग लेट, यू शुड गो टू बेड नाउ। और काव्या एकदम पलट कर बोली, आई नो व्हेन आई हैव टू गो टू बेड, यू हैव नेवर लिसन्ड टू मी एंड नॉर विल आई। हमें लगा कि शायद ये इंग्लिश में बातें इसलिए कर रहे होंगे कि हम लोग ना जो बिहारी बरेली वाले जो हैं इनको पता ना चले। हमें ये भी लगा कि अच्छा जी शायद इन लोगों में इस तरह से पलट कर जवाब देने की तरीका होगा कोई, जबकि हमारे माँ बाप ने ना हमें बिल्कुल ही मतलब धोखे में रखा है। हमें कहा गया है कि माँ बाप की हाँ में ही हाँ मिलानी है। खैर, थोड़ी देर में हमने महसूस किया कि बाप बेटी के बीच का माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, तो हमने सोचा कि चलो हम ना सो जाते हैं। हमने करवट ली अपनी सीट पर और हम सो गए। अच्छा, ये इंडियन माँ बाप ना बड़े कमाल के होते हैं। वैसे मेरी मम्मी सुबह सुबह 6 बजे मक्खियों की तरह गुनगुनाती है मेरे कानों में, उठ जा उठ जा उठ जा, और जब जगाना था तब 9 बजे तक सोने दिया। अब हुआ क्या, वो लोग तो चले गए और हमारी काव्या से कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन वो जो है ना मार्क जुकरबर्ग भैया, उन्होंने कमाल का काम करा है FB स्टार्ट करके। अच्छा, मैंने फटाफट मेरा फ़ोन निकाला और मैंने फेसबुक पर उसको ढूंढ निकाला और उसे इमीडिएटली एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी। अच्छा, कुछ ही देर में उसने भी हमारी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी। वक्त निकलता गया और देखते देखते एक महीना निकल गया दिल्ली में। हमारा हम से हम, मैं, मेरे को, मुझको, उस पर हम आ गए।
पता ही नहीं चला। और ठीक है, वक्त के साथ बदलाव तो आना ही चाहिए। सो उस दिन मैं बैठकर अपना फ़ोन निकालकर फेसबुक पर लोगों को स्टॉक कर रही थी और अचानक मेरी नज़र पड़ी काव्या के फेसबुक पेज पर। उसकी एक सहेली ने लिखा था, यू वर वेरी ब्रेव काव्या, इट इज़ अनबिलीवेबल दैट यू हैव कमिटेड सुसाइड, वी लव यू। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ी हो सकता है, मतलब अभी कुछ दिन पहले तो हम मिले थे और अचानक। फिर अगले दिन अखबार में एक छोटे से कॉलम में मैंने पढ़ा कि पिता की दूसरी शादी से ना खुश होकर बेटी ने आत्महत्या कर ली। हमको लगा ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट लग रही थी, क्या परफेक्ट फिगर, क्या परफेक्ट बाल, क्या परफेक्ट देखने में ये लड़की, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन शायद मैंने उसे ठीक से देखा ही नहीं। ऐसा होता है ना कि हम लोग कई बार इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, अंदर क्या गड़बड़ चल रही है ना वो किसी को पता नहीं चलती है और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो हमको लगा यार हमसे बड़ी गड़बड़ हो गई, अगर हमने काव्या से थोड़ी सी बात कर ली होती तो शायद ऐसा ना होता। खैर, आप सबके बीच में भी कोई ऐसी ही काव्या होगी या होगा जो अंदर से बहुत दबा कर बैठा हुआ है पर FB और इंस्टाग्राम पर अपनी लाइफ परफेक्ट दिखा रहा है। प्लीज़ उसे जज ना करें, बातें करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई ऐसी काव्या मिलती है या मिलता है तो मेरी ये नज़्म उसे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अपनी काव्या को ये नहीं बता पाई। हटा दे हर परत को जो तुझे तू नहीं सब जैसी बनाती है, हटा दे हर परत को जो तुझे तू नहीं सभी जैसी बनाती हैं। तू गलतियों से बनी है तो कोई बात नहीं, मैं भी जख्मों से बनी हूँ। तो आ, दिल में जो भी कैद है वो एक साथ बैठकर रो लेते हैं, बात कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। आखिर थोड़ा सा रो ही लेंगे इकट्ठे तो क्या गम है, बात कर लेते हैं।